नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सनसनी पर इस वक्त की खबर। सीता रसोई द्वारा साई अस्पताल के सामने लोगों को कराया फ्री भोजन। अध्यक्ष उदयभान सिंह ने बताया कि आज की भोजन व्यवस्था अवधेश पाठक जी ने अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर हलवा पूरी सब्जी का वितरण करवाकर की अपनी मनोकामना पूर्ण की। मीडिया प्रभारी अनिल सक्सेना ने बताया कि सीता रसोई द्वारा विशेष अवसरों पर विशेष व्यवस्था की जाती है, जिसमें हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। सीता रसोई की पूजा महामंत्री सुधांशु कौशिक ने की तथा भोजन व्यवस्था में सहयोग सुनील शर्मा, विवेक पांडे, हृदय कुमार, गिरिजा शंकर पांडे, मयंक शर्मा, नीरज कुमार, डॉक्टर हेमंत चौधरी सहित पूरे सीता रसोई परिवार के लोग उपस्थित रहे। उदयभान सिंह ने बताया कि आज सीता रसोई साई अस्पताल के सामने लगाई, जिसमें हलवा पूरी और सब्जी फल का वितरण किया गया। घर में परिवार के साथ अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। अच्छा हूँ, अच्छी बात है ना, मैं अच्छा हूँ, ये स्वाभिमान। पांडे जी, आज किस खुशी में आज सीता रसोई पे ये भोजन वितरण करा रहे हो? आज जो भंडार रखा है सीता रसोई पे, किस उपलक्ष्य में रखा है? आज भाई हमने और हमारी पत्नी ने वैवाहिक जीवन के 29 वर्ष पूर्ण किए हैं, जिसके उपलक्ष्य में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं सीता रसोई के माध्यम से इन लोगों की सेवा कर सकूं। और मैं सीता रसोई परिवार के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग के समझा और मुझे ये अवसर प्रदान किया। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि तब। कितने समय हो गया सीता रसोई में चलते हुए? 2 साल से ज़्यादा होगा। अब तक कितने लोगों का आपने भोजन करा चुके हैं? 600 लोगों से ज़्यादा ऊपर भोजन अभी अभी चल रहा है। और आगे तक कब तक प्रयास रहेगा आपका? मुख्य उद्देश्य गरीबों के लिए, बस सीता रसोई के माध्यम से लिया वितरण है, और भी कार्य होते रहते हैं। सीता रसोई के लिए कितना फंड आता और कहाँ तक? ये फंड जो आप जैसे आपने कहा दिया, कल दूसरे ने कहा दिया, जितना कुआ खोद दिया उतना पानी पी लिया। मतलब ये कोई स्थायी फंड नहीं है, सरकार से कोई फंड नहीं मिलता।
कब से रजिस्टर्ड है ये? लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए। 10 साल से ज़्यादा हो गए आपके लगातार कवरेज वगैरह चलती है, और कवरेज की कटिंग सरकार से जाती है तो ये कितना फंड मिलता? फंड कुछ नहीं मिलता सर, अभी कोई सरकार कोई फंड नहीं देती। आपका कोई अच्छा काम बन गया और कोई खुशी है घर में तो हमने सोचा सीता रसोई को चुन लो, सीता रसोई का एक नाम चल रहा है और सीता रसोई अच्छा कार्य कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश कि आप ही आए और अच्छा कार्य करें, आगे तक ये प्रयास चलता रहेगा। ये तो चलता रहेगा, इसे मतलब ये कोई बंद नहीं हुआ, हमेशा चलता रहेगा। ये सर आपने ये एड लगाया है, ये किस लिए टारगेट कर लगाया है? ये नगर निगम का है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ लग चलता है, इससे क्या मतलब? सीता रसोई ट्रस्ट है, ये पिछले कई वर्षों से लगातार जो ऐसा है लोग हैं, गरीब हैं, वंचित लोग, उनको भरपेट भोजन करा रहा निःशुल्क। और इस संस्था की सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, ये किसी भी सरकार के द्वारा कोई ऐड अपलोड नहीं है, ये आप जैसे लोग, समाज के लोग मिलकर इस रसोई को लगातार चला रहे हैं। और इस रसोई का उद्देश्य है कोई भी महानगर में कोई भी भूखा ना सोए, सबको भरपेट भोजन मिले। और इस रसोई के द्वारा पिछले जो कोरोना महामारी है, बहुत बड़ा अभियान चलाकर जब इस महानगर में या इस हिंदुस्तान में जो सारे जो है खाने के जो है अपने होटल थे, अपनी व्यवस्थाएं थी, बंद थी, तब ये रसोई निरंतर उन लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही थी जिन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सीता रसोई के माध्यम से? देना चाहूँगा कि जैसे सीता रसोई ट्रस्ट है, किस तरह की ट्रस्टों के माध्यम से सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, जो भी हमारे गरीब वंचित लोग हैं उनके लिए आप हाथ आगे बढ़ाएं, भोजन की व्यवस्था करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनको देने का प्रयास करें। ऐसी संस्थाएँ ट्रस्ट होनी चाहिए, इससे समाज भी मजबूत होता है और जो गरीब पिछड़ा और असहाय लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनको पूरी जो है समाज में जीने का प्राप्त होता है और सारी सुविधाएं उनको मिलती है, जो रोटी बेसिक सेवा है वो मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए।